सदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और निर्दल प्रत्याशियों के कुल 31 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। मंगलवार को नामांकन कक्ष संख्या एक में जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने बारी बारी से सभी प्रत्याशियों या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों के सामने नामांकन पत्रों की जाँच शुरू किया। शाम तक जाँच की प्रक्रिया पूरी हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल 31 लोगों ने नामांकन किया हुआ था, जिसमें से 31 उम्मीदवारों के नामांकन विभिन्न कमियों के कारण खारिज कर दिया गया। कुल 10 कैंडिडेटों के नामांकन स्वीकृत हुए हैं। इस तरह से अब 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, आज 30 तारीख को जो आज तो स्क्रूटनी था, जो सुबह से नामांकन का हम प्रेक्षक साहब सभी लोग तो स्क्रूटनी कर रहे थे। तकरीबन 31 नामांकन हम लोग का प्राप्त हुआ है, 31, उसी पे 21 नामांकन खारिज हुआ है विभिन्न कमियों की वजह, और 10 नामांकन हम लोग स्वीकृत किए हैं। 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे।